हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। वेलकम टू ऑनलाइन तैयारी करंट अफेयर्स शो। मैं आपका अपना सुरेंद्र पांडे लेकर हाजिर हुआ हूं 5 फरवरी से लेकर 10 फरवरी के बीच में हुए इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, हम सबसे पहले आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हैं कि आप लोग इतने दिन जो है हमारे वीडियो से महरूम रहे, लेकिन अब जो है आपको कल से यानी कि आज से लगातार 6 बजे शाम को आपको वीडियो जैसा पहले मिलता था वैसा ही मिलता रहेगा। तो इसके पीछे हम रीजन डिस्कस नहीं करेंगे कि क्यों आपको इतने दिन वीडियो नहीं मिला। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं अपने करंट अफेयर सेशन की, फिर से पुराने जैसे तरीके से क्वेश्चन ऑफ द डे से। ठीक है, तो क्वेश्चन ऑफ द डे जो हमने 4 फरवरी को पूछा था वो ये था कि किस देश में सेंट फ्रांसिस का चर्च बनाया जाएगा। सो इन विच कंट्रीज चर्च ऑफ सेंट फ्रांसिस विल बी सेट अप। तो इसका सही उत्तर है संयुक्त अरब अमीरात में। कहां पे? तो संयुक्त अरब अमीरात में जो है यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में ये बनाया जाएगा। और ये जो है ये क्यों न्यूज में था? द रीजन बीइंग जो पोप फ्रांसिस हैं वो हिस्टोरिक विजिट में यूएई उन्होंने विजिट किया था और उसी दौरान ये निर्णय लिया गया कि सेंट फ्रांसिस का चर्च वहां बनाया जाएगा। कहां? तो संयुक्त अरब अमीरात में, वो भी खास करके कहां? तो आपका आबू धाबी में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए अब रुक करते हैं अपने करंट अफेयर क्वेश्चंस की ओर। उससे पहले आप लोगों को हमारे वीडियो को हमेशा की तरह लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना है जिससे कि आपको वीडियो लगातार मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, सो विदाउट मिसिंग और वीडियो आपको जो 6 बजे अब हमेशा मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट का प्रक्षेपण कहां से किया गया। सो फ्रॉम वेयर वॉज द सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट फ्लाइट टेस्टेड। तो ये कहां से किया गया? तो जी हां, ये किया गया आपका बालासोर, यानी कि अगर सही में बोले तो कहां से एग्जैक्टली है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर ऑन सी, चांदीपुर ऑन सी बालासोर। और ये कहां है? ये है आपका ओडिशा में। ठीक है दोस्तों, तो यहीं से जो है ये दूसरी बार सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट का प्रक्षेपण किया गया और दूसरी बार भी ये इसने अपने सारे टारगेट्स को अचीव किया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि कतलास एक्सप्रेस 2019 में किस भारतीय नौसेना के जहाज ने भाग लिया। सो विच इंडियन नेवी शिप पार्टिसिपेटेड इन द एक्सरसाइज कतलास एक्सप्रेस 2019। सो कतलास एक्सप्रेस जो है ये एक युद्ध अभ्यास है, तो आपको बताना है कि भारतीय नौसेना की ओर से किस जहाज ने इसमें भाग लिया। तो किसने लिया ये? तो आपका INS त्रिकंद ने। किसने? तो INS त्रिकंद ने जो है इसमें भाग लिया। ठीक है दोस्तों, तो INS त्रिकंद जो है ये मुंबई में बेस्ड है अभी, और इसने जो है एक्सरसाइज कतलास एक्सप्रेस में भाग लिया जिसमें जो है ये एक मल्टीनेशन एक्सरसाइज था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब तीसरे क्वेश्चन की ओर। हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन के 13वें सम्मेलन यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मेजबानी कौन सा देश करेगा। सो विच कंट्री विल होस्ट द 13th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज। तो ये कौन करेगा? तो जी हाँ, ये भारत करेगा। कौन? तो भारत जो है इसको 2000 यानी कि फरवरी 2020 में इसको होस्ट करेगा और इसका जो है लोगो एंड मास्कट ये दोनों जो है इसका अनवील किया गया। तो इसका जो मास्कट है वो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है, सो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है ये एक प्रकार का चिड़िया है। ठीक है, जो कि आपको रन ऑफ कच्च में पाया जाता है। कहां मिलता है आपको ये? रन ऑफ कच्च गुजरात में। ठीक है, तो यहां ये पाया जाता है। और अगर बात करें ये 13th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज है, इसको हम लोग जो है एक और नाम से जानते हैं। किस नाम से? बॉन कन्वेंशन। बॉन जो है आपका कन्वेंशन, बॉन जो है
क्योंकि बॉन में यह कन्वेंशन साइन हुआ था, इसको हम लोग जो है बॉन कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। हमारा चौथा क्वेश्चन है कि जम्मू और कश्मीर सरकार ने किस क्षेत्र को मंडल का दर्जा दिया है। सो विच रीजन वॉज ग्रांटेड डिविजनल स्टेटस बाई जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ये है लद्दाख। सो लद्दाख जो है इसको जे एंड के गवर्नमेंट ने एक डिवीजन का स्टेटस दिया है, जिसके तहत क्या है कि अब लद्दाख का अपना ही डिविजनल कमिश्नरेट होगा, प्लस इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होगा, और इसका जो हेडक्वार्टर होगा ये कहां होगा, हेडक्वार्टर इसका लेह में होगा। और लद्दाख डिवीजन में अब कौन कौन शामिल होगा, लेह और दूसरा कारगिल डिस्ट्रिक्ट जो है, ये दोनों के दोनों लद्दाख डिवीजन या लद्दाख मंडल में आएंगे। ठीक है, और इसके साथ ही जम्मू कश्मीर जो है अब तीन मंडलों में बांट दिया गया है। तो एक तो है आपका जम्मू, ठीक है जम्मू, दूसरा कश्मीर, और तीसरा कौन सा हो गया, लद्दाख। सो लद्दाख जो है इससे पहले कश्मीर डिवीजन में आता था, किसमें आता था, कश्मीर डिवीजन में। और अब क्या है कि ये लद्दाख के डेवलपमेंट के लेकर काफी ही मतलब कि लाभदायक सिद्ध होगा। हालांकि इसको काफी लोगों ने जो जम्मू एंड कश्मीर की पार्टीज हैं, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो गई या महबूबा मुफ्ती हो गई, तो उन्होंने जो है इसको क्रिटिसाइज किया है, क्योंकि उनका कहना है कि हमें ये प्रॉब्लम नहीं है कि आप लद्दाख को मंडल का दर्जा दे रहे हैं, बल्कि उससे पहले जो है पीर पंजाल जो है उसे भी जो है मंडल के दर्जा के लिए कंसिडर किया जाना था, क्योंकि वो एक्चुअल में फिट बैठता है। काफी दिन से पीर पंजाल को एक मंडल का दर्जा दिलाने की मांग भी चल रही थी, लेकिन लद्दाख को दर्जा देना ये क्लियर कट जो है ये बीजेपी का डिजाइन लग रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर से लद्दाख को अलग थलग करना। तो ऐसा जो है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और महबूबा मुफ्ती की जो सरकार है ये कहना है इन लोगों का। बहरहाल तो लद्दाख जरा हम देख लेते हैं कहां पे है। तो ये देखिए, ये रहा आपका जम्मू एंड कश्मीर। तो ये आपका आप देख सकते हैं ये आपका लद्दाख है और ये पूरा आपका लद्दाख है। तो पहले जो है ये आपका किस में आता था, पहले कश्मीर डिवीजन में आता था, लेकिन अब लद्दाख में कौन कौन से डिवीजन रहेंगे, कारगिल और लेह। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, सॉरी तीसरा नहीं पांचवा, हमारा पांचवा क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय पैरालंपिक समिति ने किस देश से प्रतिबंध हटा लिया। सो इंटरनेशनल पैरालंपिक कमिटी लिफ्टेड बैन फ्रॉम विच कंट्री। सो ये कहां से हटा लिया, तो आपका रूस के ऊपर से, जो दो साल से बैन लगा हुआ था डोपिंग को लेकर, किसको लेकर, जो खेलों में डोपिंग होता है या ड्रग्स का इस्तेमाल होता है उसको लेकर दो साल से रूस पर बैन लगा हुआ था, तो उसको जो है अंतरराष्ट्रीय पैरालंपिक समिति ने हटा दिया है इस बैन को। ठीक है, और इसके साथ ही रशिया जो है अब 2020 का जो टोक्यो पैरालंपिक्स है उसमें पार्टिसिपेट कर सकेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया है। और इसके अलावा अगर हम बात करें अंतरराष्ट्रीय पैरालंपिक समिति की, तो ये जो है 1989 में फॉर्म हुआ था और इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ है, बर्लिन जर्मनी में है। ठीक है, इसके अलावा जो है इसके प्रेसिडेंट कौन है, इसके प्रेसिडेंट है एंड्रयू पारानास। ठीक है, एंड्रयू पारानास जो है इसके प्रेसिडेंट है, किसके, अंतरराष्ट्रीय पैरालंपिक समिति के। ठीक है दोस्तों, चलिए अब छठे क्वेश्चन पे। हमारा छठा क्वेश्चन है कि ईजीएटी की कप इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप कहां आयोजित की जा रही है। तो वेयर इज ईजीएटी कप इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप बींग हेल्ड। तो ये कहां हो रहा है, तो जी हां ये थाईलैंड में इसका आयोजन हो रहा है। कहां, तो थाईलैंड में इसका आयोजन हो रहा है। और ये न्यूज में हमने इसलिए पूछा है क्योंकि इसमें जो है भारत ने दो पदक अभी तक जीते हैं। सबसे पहला जो है किसने जीता, तो मीराबाई चानू ने। तो मीराबाई चानू ने जो है महिलाओं के कैटेगरी में 48 किलोग्राम वर्ग में जो है स्वर्ण पदक जीता। क्या जीता इन्होंने, गोल्ड जीता। और दूसरा जो है लाल नारुंगा, ठीक है, लाल नारुंगा जो है इन्होंने पदक जीता है किसमें, 67 किलोग्राम मेल कैटेगरी में इन्होंने सिल्वर पदक जीता है। ठीक है दोस्तों, तो ये कहां हो रहा है आपका, थाईलैंड में ये इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप हो रहा है। ओके, चलिए अब सातवें क्वेश्चन की ओर। हमारा सातवां क्वेश्चन है
कि विश्व बैंक के अध्यक्ष पद के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा किसे नामित किया गया है? सो हु हैज बीन नॉमिनेटेड बाय यूएस प्रेसिडेंट फॉर द वर्ल्ड बैंक्स प्रेसिडेंट पोस्ट? तो ये किसे किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, यानी कि डेविड मलपास को। किसको? तो डेविड मलपास को जो है वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है, क्योंकि हमें जैसा पता है कि जनवरी में वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट है किम जोंग इम, तो उन्होंने जो है रेजिग्नेशन दे दिया था और 1 फरवरी जो है उनका लास्ट डेट था, और उनके एब्सेंस में जो है जो वर्ल्ड बैंक की सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है, जॉर्जिया किस्तिनिवा, वो जो है उस पद को संभाल रही हैं। कौन ऐसी हो? तो जॉर्जिया किस्तिनिवा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। हमारा 8वां क्वेश्चन है कि पंजाब के पुलिस महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ पंजाब? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका बी, यानी कि दिनकर गुप्ता को नियुक्त किया गया है। किसे? दिनकर गुप्ता को नियुक्त किया गया है, और ये सुरेश अरोरा की जगह लेंगे, और इसमें गुप्तेश्वर पांडे जो है अभी हाल ही में ये बिहार के डीजीपी नियुक्त हुए थे। किसके? तो बिहार के डीजीपी कौन नियुक्त हुए थे? गुप्तेश्वर पांडे। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। हमारा 9वां क्वेश्चन है कि किस टीम ने क्रिकेट की रणजी ट्रॉफी उठाई या जीती? सो विच टीम लिफ्टेड द रणजी ट्रॉफी ऑफ क्रिकेट? तो ये किसने जीता है? तो ये आपका विदर्भ ने जीता है, और ये दूसरी बार लगातार जीता है। सो विदर्भ जो है ऐसा कारनामा करने वाला छठा, मतलब कि ये छठी टीम है। ठीक है, क्योंकि विदर्भ से पहले किसने किसने 2 बार लगातार जीता है? महाराष्ट्र हो गया आपका, फिर आपका दिल्ली हो गया, राजस्थान हो गया, फिर आपका मुंबई, और आपका कर्नाटका। ठीक है, और छठा कौन हो गया? तो विदर्भ। और अब बता दें कि रणजी ट्रॉफी जो है ये दिलीप रणजी सिंह, सो महाराजा दिलीप रणजी सिंह के नाम पे ये रणजी ट्रॉफी का नाम रखा गया है। क्यों ऐसा किया गया है? क्योंकि दिलीप रणजी सिंह महाराज जी हैं, ये पहले ऐसे भारतीय खिलाड़ी थे जिन्होंने कोई अंतरराष्ट्रीय मैच खेला था। सो ही वॉज द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू प्ले एन इंटरनेशनल क्रिकेट मैच। ठीक है, और इसीलिए इस रणजी ट्रॉफी का नाम रखा गया है, और ये पहली बार जो है 1934 में खेला गया था, और मुंबई ने जो है इसको सबसे ज्यादा बार जीता है। कितने बार? तो 41 बार इसको जीता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। हमारा 10वां क्वेश्चन है कि वर्तमान रेपो दर क्या है? सो व्हाट इज द प्रेजेंट रेपो रेट? तो प्रेजेंट रेपो रेट क्या है? यह है आपका बी, यानी कि 6.25%। ठीक है दोस्तों, सो दोस्तों मैं आपको यहां पे एक चीज कहना चाहूंगा कि चूंकि पिछले हफ्ते का जो करंट अफेयर है ये बाकी सबने मतलब कहीं ना कहीं से जरूर देखा होगा, ये आप समझ लीजिए जो हम करंट अफेयर प्रोवाइड कर रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये आपके रिविजन के लिए भी काफी लाभदायक सिद्ध होंगे, इसलिए हमने यहां पर जो है एक्सप्लेनेशन जो है नहीं दिया है। ठीक है दोस्तों, तो क्या है रेपो रेट? तो रेपो रेट आपका हो गया 6.25%, क्योंकि अभी जो मौद्रिक नीति हुई थी तो उसमें जो है रेपो रेट को 6.50 से घटाकर 6.25 किया गया था। अब जो पॉलिसी रेट्स हैं वो क्या हो गए, मैं यहां पे लिख देता हूं, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, यानी कि आपका एमएसएफ जो रेट है वो कितना हो गया अब 6.5, रेपो रेट कितना हो गया 6.25, और रिवर्स रेपो रेट कितना हो गया, ये आपका हो गया 6। ठीक है दोस्तों, तो ये अभी जो है प्रेजेंट पॉलिसी रेट है, और रेपो रेट होता क्या है? तो रेपो दर वो होता है कि जिस दर से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई जो है कमर्शियल बैंक्स को शॉर्ट टर्म में लिक्विडिटी से ओवरकम करने के लिए पैसा देता है। ठीक है, तो ये आपका होता है रेपो रेट। ओके दोस्तों, चलिए अब 11वें क्वेश्चन पे। हमारा 11वां क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने 1984 सिख दंगों पर एक सिट का गठन किया? सो विच स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म्ड अ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ऑन 1984 सिख रायट्स? तो ये किसने किया है? तो ये किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। किसने? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसा जो है डिसीजन लिया है, और कहने का मतलब आपको यहां पे बता दें जो ये 1984 के सिख दंगे हुए थे इसमें अभी हाल ही में जो है जगदीश टिटलर को जो है सजा सुनाई गई थी, और इसके अलावा जो है
एक कमिटी बैठी थी जिसका नाम क्या था, नानावती कमीशन। ठीक है, तो आपको ये कमीशन का नाम भी याद रखना है जो कि सिख राइट्स पे बैठी थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की ओर। हमारा 12वां क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रक्षेपित GSAT-31 किस उपग्रह की जगह लेगा। सो विच सैटेलाइट वॉज रिप्लेस्ड बाई GSAT-31 लॉन्च रिसेंटली। तो ये जो है किसकी जगह लेगा, INSAT-4CR की जगह लेगा। किसकी, तो INSAT-4CR की जगह लेगा, जो कि एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। क्या है ये, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। ठीक है, और ये क्यों जरूरी था, क्योंकि ये जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है इसकी ड्यूरेशन खत्म हो गई थी, इसका लाइफ टाइम खत्म हो गया था, ये डाइंग स्टेट में था, इसलिए इसको रिप्लेस करने के लिए GSAT-31 जो कि लगभग 2500 kg का था, उसको जो है कहां से प्रक्षेपण किया गया, तो फ्रेंच गुयाना से। और ये फ्रेंच गुयाना से एरियन 5 रॉकेट के जरिए जो है इसको स्पेस में भेजा गया। किसको, तो आपका GSAT-31 को। अब यहां पे सवाल ये उठता है कि जब 2500 kg का ही GSAT-31 कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, तो उसे भारत के GSLV Mark 3 से क्यों नहीं भेजा गया। तो यहां पे हम आपको बता दें कि जैसा हमें पता है कि GSLV जो मार्क 3 है, जो कि GSAT सैटेलाइट्स यानी कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स को प्रक्षेपित करता है, वो जो है 4000 kg तक के सैटेलाइट्स को प्रक्षेपित कर सकता है। अब यहां पे वेट तो कम है, तो यहां पे जो इसरो के डायरेक्टर हैं K. Sivan, उन्होंने ये आर्गुमेंट दिया कि क्योंकि GSLV मार्क 3 जो है चंद्रयान के प्रक्षेपण में व्यस्त है, तो कोई भी GSLV मार्क 3 स्पेयर नहीं था, और इनसैट 4CR को रिप्लेस करना था बहुत ही अर्जेंट बेसिस पे, तो इसीलिए इस सैटेलाइट को फ्रेंच गुयाना से एरियन 5 रॉकेट के द्वारा स्पेस में भेजा गया। ठीक है, तो ये है इसका एग्जैक्ट रीजन। चलिए अब बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की ओर। हमारा 13वां क्वेश्चन है कि हाल ही में अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति चुनाव में जीत का दावा किसने किया। सो हु क्लेम्ड विक्ट्री इन अल सल्वाडोर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो ये किसने किया है, तो आपका नायाब बुकुले ने। किसने किया है, तो नायाब बुकुले ने जो है अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति के रूप में जो है विक्ट्री क्लेम की और ये चुने गए हैं। और यहाँ पे बाकी हम बता दें, जुआन गुएदो जो है इनको वेनेजुएला के प्रेसिडेंट के रूप में यूरोपियन नेशंस ने मान्यता दी है। किसके खिलाफ, तो आपका मादुरो के खिलाफ। फिर लोपेज ऑब्रादोर जो है ये मेक्सिको के राष्ट्रपति हैं, और ऑस्कर ठीक है, तो आपको यहां पे हमने जो है जो जिस भी देश के राष्ट्रपति हैं उनके बारे में जानकारी दे दी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन की ओर। हमारा 14th क्वेश्चन है कि हाल ही में महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर की प्रतिमा का अनावरण कहां किया गया। सो वेयर वॉज द स्टैचू ऑफ महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर अनवील्ड रिसेंटली। तो ये कहां किया गया, तो आपका अगरतला में किया गया। कहां, तो अगरतला में किया गया, जो कि किसकी राजधानी है, त्रिपुरा की राजधानी है। और ये जो है महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर, इनको जो है क्रिएटर बोल सकते हैं, क्रिएटर ऑफ अगरतला या त्रिपुरा स्टेट। ठीक है, किनको, तो महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर को। और इनके स्टैचू का अनावरण किया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने, और कहां पे, तो आपका वीर विक्रम किशोर एयरपोर्ट। ठीक है, तो यहां इन्होंने इसका उद्घाटन किया, इनके स्टैचू का। ठीक है दोस्तों, चलिए अब 15 क्वेश्चन पे। हमारा 15वां क्वेश्चन है कि बहरीन जूनियर और कैडेट ओपन टूर्नामेंट में भारतीय पेडलर्स यानी कि टेबल टेनिस प्लेयर्स ने कितने पदक जीते। सो हाउ मेनी मेडल्स वर वन बाय इंडियन पेडलर्स एट द बहरीन जूनियर एंड कैडेट ओपन टूर्नामेंट। तो कुल मिला के जो है 4 पदक जीते। कितने, तो कुल मिलाकर 4 पदक जीते। और ये टूर्नामेंट कहां हो रहा है, तो आपका बहराइन की राजधानी क्या है, मनामा। तो वहां हो रहा है, वहां पे जो इंडियन पेडलर्स यानी इंडियन टेनिस प्लेयर्स हैं उन्होंने कुल मिला के 4 पदक जीते हैं। ठीक है, चलिए अब 16वें क्वेश्चन पे। हमारा 16वां क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने आंदोलनकारी गुर्जर समुदाय के साथ बातचीत शुरू करने के लिए 3 सदस्यीय कैबिनेट समिति का गठन किया है। सो विच स्टेट गवर्नमेंट कंस्टिट्यूटेड
थ्री मेंबर कैबिनेट कमिटी टू इनिशिएट डायलॉग विद एजिटेटिंग गुज्जर कम्युनिटी। तो किसने किया है, तो ये आपका राजस्थान सरकार ने जो है ऐसा निर्णय लिया है, क्योंकि अभी जो है गुज्जर कम्युनिटी का प्रोटेस्ट चल रहा है और इनका जो है प्रोटेस्ट किसको लेकर है कि 5% हमें रिजर्वेशन जो है मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसको लेकर इन्होंने जो है मुंबई और मुंबई जो रूट है रेलवे रूट तो उसको ब्लॉक किया था, जिससे काफी जो है ट्रेनें जो है काफी प्रभावित हुई थी, यातायात काफी प्रभावित हुआ था। तो उसके बाद जो है राजस्थान सरकार यानी कि अशोक गहलोत की सरकार ने 3 सदस्यीय कैबिनेट समिति का गठन करने का निर्णय लिया, ठीक है दोस्तों। चलिए अब 17वें क्वेश्चन पे, हमारा 17वां क्वेश्चन है कि एशियाई शेर संरक्षण परियोजना की रिपोर्ट के अनुसार गिर एशियाई शेरों का दूसरा घर कौन बन सकता है। सो विच कुड बिकम द सेकेंड होम टू गिर एशियाटिक लायंस अकॉर्डिंग टू एशियाटिक लायन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो ये कहां हो सकता है, तो आपका कूनो वन्यजीव अभयारण्य, कहां तो कूनो वन्यजीव अभयारण्य या फिर कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि हम जो है गिर जो नेशनल फॉरेस्ट है जो कि एशियाटिक लायंस के लिए काफी फेमस है जो कि गुजरात में है, तो वहां से हम जो है शेरों को रिलोकेट करके कहां पे कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रिहैबिलिटेट कर सकते हैं। लेकिन इस मूव को गुजरात सरकार यानी कि विजय रूपाणी सरकार जो है कॉन्स्टेंटली जो है इसको अपोज कर रही है, क्योंकि उनका कहना है कि जो गिर एशियाटिक लायन है ये गुजरात का प्राइड है और हम इसको कहीं रिलोकेट करने नहीं देंगे, ठीक है। और ये कदम क्यों उठाया जा रहा है, अगर हम इसके बारे में भी बात करें कि एशियाई शेर संरक्षण परियोजना जो कि दिसंबर में लॉन्च हुआ था, ठीक है, और रिपोर्ट जो है अभी रिलीज किया गया आपका फेब में, तो ऐसा जो है ये स्टेप क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि जो गिर नेशनल पार्क में जो लायंस हैं अभी हमने देखा था 28 से 30 लायन जो है 2018 में लगभग मारे गए थे ड्यू टू डिजीज, ठीक है। तो उसी के संदर्भ में ये कहा गया कि कूनो वन्यजीव अभयारण्य में उनको शिफ्ट करके रेलोकेट करके रिहैबिलिटेट किया जा सकता है। और फेब में जब ये रिपोर्ट रिलीज किया तो पर्यावरण मंत्रालय ने 59 करोड़ रुपए इस परियोजना के अंतर्गत पहले फेज के लिए रिलीज किया है, ठीक है दोस्तों। कौन सा, एशियाई शेर संरक्षण परियोजना, ओके। चलिए अब 18वें क्वेश्चन पे, हमारा 18वां क्वेश्चन है कि कॉग्निजेंट का नया मुख्य अधिकारी कार्यकारी अधिकारी कौन है। सो हु इज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ कॉग्निजेंट, तो कौन बना है, तो ये है ब्रायन हम्फ्रीज। कौन बने हैं, तो ब्रायन हम्फ्रीज जो है ये जो है कॉग्निजेंट के सीईओ बने हैं और इन्होंने फ्रांसिस्को डिसूजा को रिप्लेस किया है। और प्लस बात करें राजीव मेहता की, तो ये जो है प्रेसिडेंट थे कॉग्निजेंट के जो कि अप्रैल में स्टेप डाउन करेंगे, ठीक है। तो ब्रायन हम्फ्रीज ये सीईओ जो है नियुक्त किए गए हैं कॉग्निजेंट के, ठीक है। चलिए अब 19वें क्वेश्चन पे, हमारा 19वां क्वेश्चन है कि कैनेडियन सिनेमा और टेलीविजन अकादमी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा। सो हु विल बी कन्फर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय द अकेडमी ऑफ कैनेडियन सिनेमा एंड टेलीविजन, तो ये किसे किया जाएगा, तो दीपा मेहता को। सो दीपा मेहता जो है ये इंडियन ओरिजिन की कैनेडियन फिल्म मेकर है और इन्होंने जो है ट्राइलॉजी बनाई थी फायर अर्थ एंड वाटर। सो ये ट्राइलॉजी इन्होंने 3 फिल्में बनाई थी, फायर अर्थ और वाटर, ये इसके लिए जानी जाती हैं दीपा मेहता। तो इन्हीं को जो है कैनेडियन सिनेमा एंड टेलीविजन एकेडमी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब 20वां क्वेश्चन, हमारा 20वां क्वेश्चन है कि उस भारतीय मूल के उद्यमी का नाम बताइए जिसे हिंदू समुदाय में अपनी सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया। सो नेम द इंडियन ऑरिजिन एंटरप्रेन्योर हु वाज कन्फर्ड द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर ओबीई फॉर हिज सर्विस टू द हिंदू कम्युनिटी, तो कौन है ये, तो ये है आपके ध्रुव पटेल। कौन है, तो ध्रुव पटेल जो है ये करेक्ट आंसर है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहां पे हमारा जो है करंट अफेयर क्वेश्चन जो समाप्त होता है, ये 20 क्वेश्चन हमने काफी चुन के आपको दिए हैं जो कि आपके रिवीजन में बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे, क्योंकि हम 5 से 10 फरवरी का करंट अफेयर नहीं दे पाए थे, आप लोगों ने कहीं ना कहीं से देखा होगा, तो हमने सोचा कि एक ही साथ आपको 5 दिन का करंट अफेयर जो चुनिंदा करंट अफेयर्स है वो करवा दे, वो आपके रिवीजन के फॉर्म में भी काफी लाभदायक सिद्ध हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे।
हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है कि नासा का पहला मिनी अंतरिक्ष यान कौन सा है जो गहरे अंतरिक्ष में पहुंचा है. सो विच इज द फर्स्ट मिनी स्पेसक्राफ्ट ऑफ नासा दैट वेंचर्ड इनटू डीप स्पेस. ए मार्को, बी स्प्राइट, सी किकसैट या इनमें से कोई नहीं. सो दोस्तों आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए और हम इसका उत्तर कल शाम को 6 बजे जरूर बताएंगे. बिल्कुल मिस मत कीजिएगा. विदाउट फेल विल बी प्रोड्यूसिंग आर वीडियो एट 6 PM टुमारो. ठीक है दोस्तों, तो चलिए हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. अलविदा, शुभ रात्रि, गुड नाइट एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन. ओके, थैंक यू.